हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। देखो इमेज फॉर्मेशन आपने मिरर्स में भी की थी, कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की, तो वो एक बार देख लेना, बिल्कुल सेम वैसा ही होने वाला है इसके अंदर, बस कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस होंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वो आता है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जिन्होंने वो नहीं देखे वीडियो, पहले वो देख लो, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ भी आपको पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझ में आए। तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम रूल्स देखते हैं। तो चलो रूल नंबर वन क्या है, सबसे पहले देखो रूल वन की बात करेंगे हम। तीन रूल बताऊंगा मैं इसमें आपको, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस बना देते हैं पहले। तो ये कन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, ठीक है। आपको पता है ये क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल सी बात करूँगा एक, ठीक है। इसके लिए हम फोकस लिखते हैं। इस इधर फोकस मान लो ये वाली होती है आपके पास F2, और इधर जो होती है फोकस ये कौन सी होती है, F1 होती है, क्लियर। तो जो पहला रूल क्या है कि अगर रे पैरलर जाए, अगर रे पैरलर जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन रे कहाँ से निकलनी चाहिए, फोकस में से निकलनी चाहिए, समझ रहे हो इतनी बात। देखो लेंस के जब पास आ जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन में क्या होती है, ये रे कहाँ से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पैरलर रेज कहाँ से निकलती हैं, हमेशा फोकस में से निकलती हैं। ये रूल आपका मिरर्स में भी है, क्लियर इतनी बात, ठीक। दूसरा रूल अगर हम देखें तो देखो ज़रा, ये मैंने यहाँ पर बनाया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, और ये है आपके पास फोकस 2 और ये रही फोकस 1, यही होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम ये कहें, जैसे इसमें तो हमने कहा कि पैरलर रे आई तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। अगर कोई रे फोकस में से पास कर रही है, फोकस में से कैसे पास करेगी, इस तरीके से, अगर ऐसे रे आए फिर क्या होगा, तो यानी कि अब रे कहाँ कैसे जाएगी, पैरलर जाएगी, समझ रहे हो, बिल्कुल रिवर्स है। अगर पैरलर आ रही है तो फोकस में से निकलेगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरलर जाएगी, क्या इतनी बात क्लियर है। रूल 2 ध्यान में रहेगा आपको। अब लास्ट रूल कर लेते हैं, रूल 3, ये भी बड़ा सिंपल सा है। देखो इन्हीं की हेल्प से आप फिर इमेज फॉर्मेशन करोगे कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। देखो ये हमने बनाया एक कन्वेक्स लेंस, अब देखना ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी ये हो गई F1 और ये हो गया F2, और ये जो बीच में होता है ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, O से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। अब मान लो कोई रे आई और वो कहाँ से पास कर रही है, आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो क्या होगा, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि ये रे ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से याद रखना आपको, रे कैसे निकलती है, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन इसकी, इन रूल्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग केस होंगे। तो पहला जो है, अगर हम कहें कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे, मैं लिखता हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे है तब क्या होगा। देखो हम यहाँ बनाते हैं, ये बन गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कितनी बात क्लियर है, ठीक है। ये क्या बन गया इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें ये वाले जो फोकस हैं, ये वाला F1 हो गया और ये वाला हो गया F2, और देखो ये जब सर्कल हम पूरे बनाएंगे तो उनका सेंटर होता है, वो जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, C1 लिख देंगे उसको, या फिर हम लिख देंगे 2 of F1, समझ रहे हो, इसका डबल ही होता है F1 का, वो ये आपको पता है चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप C1 लिख दो या 2F1 लिख दो, एक ही बात है, और C1, और यहाँ पर भी इसी तरीके से इसका सर्कल का जो आपके पास आएगा सेंटर, वो उसको हम क्या लिख देंगे, 2F2, या फिर हम इसको लिखते हैं C2, कितनी बात क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी, ठीक। अब रूल अप्लाई करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सॉरी इन्फिनिटी पे है, तो यानी कि वहाँ से जो रेज आएंगी वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो लेट की ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरलर आती हैं, दूर से जब भी लाइट रेज आएंगी वो हम क्या कंसिडर करते हैं कि पैरलर ही होती हैं, ठीक है। तो पैरलर रेज आई, ठीक, ये आई पैरलर रेज, ये फर्स्ट रे, अगर ये पैरलर रे आ रही है तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस में, इसमें से निकलेगी, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। दूसरी रे भी बना दो एक और पैरलर रे आई, ये भी कहाँ से निकलेगी आपके पास, ये फोकस में से निकलेगी, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। सिमिलरली यहाँ से नीचे से भी अगर हम रे बनाएं इस तरीके से, तो ये भी कैसे निकलेगी आपके पास, फोकस से निकलेगी, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। एक और रे अगर लें हम इस तरीके से यहाँ पर, ये तो हमारे पास ये लिखा हुआ है इस तरीके से है, ठीक है। तो ये देखो
तो मैं यहाँ पर ये पूरी लाइन इस तरीके से बना रहा हूँ, आप समझ आना ये पैरेलल रे है, ठीक है। और ये भी कहाँ से निकल जाएगी आपके पास, फोकस में से निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको कन्वर्जिंग लेंस का बताया था कन्वेक्स में, तो ये वही बनाया है एक तरह से। पैरेलल रेज आ रही हैं, कहाँ कन्वर्ज हो गई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई। तो इसमें हम अब लिखेंगे कैसे, देखो, तो यानी कि जो पोजीशन ऑफ इमेज बनी है इसमें, पोजीशन ऑफ इमेज वो कहाँ बनी है, एट F2 बनी है, फोकस पे बनी है, क्लियर। और साइज कैसा है इसका, बहुत ही छोटा, तो हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा साइज है, हाईली डिमिनिश्ड, क्लियर। और नेचर कैसी है इसकी, नेचर में आपको पता है कि रियल होंगी या वर्चुअल होंगी, ये सब बताते हैं हम, ठीक है। तो नेचर कैसी है, यहाँ पर देखो ये जो रेज गई हैं ये बिल्कुल आपके पास रियलिटी में इधर जा रही हैं, ठीक है। डॉटेड तो नहीं बनाई हमने, क्योंकि ये लेंस है, मिरर होता तो मिरर में तो इस साइड रियल जाती हैं, इस साइड क्या बनाते हैं हम, डॉटेड बनाते हैं। लेकिन ये तो लेंस है, इसमें तो एक्चुअल में पास कर रही हैं। तो इधर जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है। क्या इतनी बात क्लियर है, रियल। और रियल हमेशा जब इमेज होती है तो वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड भी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, समझ में आ रही है? अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जो लेंसेज हैं उनमें अगर आपके पास राइट साइड कोई इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। और मिरर्स में क्या होता था, अगर राइट साइड कोई बनती है तो वो कैसी होती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि उसमें तो पास ही नहीं करती थी लाइटें राइट साइड में, तो हम अपीयर टू मीट करवाते थे जो भी करवाते थे, क्योंकि वहाँ होती थी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी लाइट। यहाँ क्या होती हैं, रेज पास हो जाती हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस से, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होती है, जो लाइट है वो बेंड होगी सिर्फ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बैक चली जाएगी, क्योंकि ये क्या है, लेंस है। तो ये फर्स्ट समझ में आया, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे है तो हमने कहते ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं हम, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, बियॉन्ड 2F1 हो, तो फिर कैसे होगा, देखो सेकंड करते हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड 2F1 मतलब क्या, कि आपके पास वो क्या है, पीछे है, 2F1 से पीछे है। कितनी बात क्लियर है, तो देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है ये भी, रूल्स आपको पता ही है। इसमें मैंने कौन सा रूल लगाया, सिर्फ फर्स्ट रूल लगाया कि पैरेलल रे चल रही है तो वो फोकस में निकल रही है, फर्स्ट रूल से ही हो गया है तो सारा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दो रूल लगेंगे आपके, इससे ज़्यादा लगने नहीं है, ठीक है। तो देखो ज़रा, ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F1 है, तो देखो क्या होगा, ये हमने क्या बनाया, एक कन्वेक्स लेंस, ये बन गया हमारे पास क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर O होता है हमारे पास, ठीक है। ये वाला अगर हम कहें F2 है तो ये क्या होगा, 2F2 होगा। अगर ये कहें हम फोकस F1 है तो ये क्या होगा हमारे पास, 2F1 होगा। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, 2F1 2F2 क्या है हमारे पास, C1 C2 ही है, ठीक है, ये आपको पता चल चुका है, ठीक। तो हमारे पास अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड 2F1 मतलब 2F1 से पीछे है, तो 2F1 से पीछे लिख देते हैं यहाँ पर, ये बनाया हमने, ठीक है। 2F1 से पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट, और इनके नाम भी रख दो, ये जैसे हमारे पास हो गया ए बी हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ज़रा, फर्स्ट रूल लगाते हैं कि पैरेलल रे गई, पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस में से, तो ये आप फोकस में से पास आउट कर दो, क्लियर, इस तरीके से, समझ गए हो या नहीं, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है तो स्केल का यूज़ कर लेना, बहुत सही बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब कौन सा रूल लगाएं, देखो अगर हम इसमें रूल लगाना चाहें तो अब थर्ड रूल लगेगा, फर्स्ट तो लगा दिया हमने, ये वाला पैरेलल रे जा रही है फोकस में से, ये वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर लगाना है तो लगा भी सकते हो, लेकिन ये इजी रहेगा, ये वाला लगाते हैं। देखो इसमें क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी रे तो वो स्ट्रेट निकल जाती है, तो हम यही करने वाले हैं, क्लियर। तो देखो कैसे, ये रहा आपके पास ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसको लिख देते हैं हम, ये ओ से लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनाऊँगा मैं ये इस तरीके से, ठीक। तो ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर में से रे निकली और ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्लियर। तो ये स्ट्रेट जा रही है, तो जहाँ पर कट हो रही है ये इमेज फॉर्म्ड होगी आपके पास या नहीं। और ये इमेज को हम लिखेंगे, देखो बी इसके साथ है तो इधर बी और ये बी डैश लिख देंगे और ए नीचे आएगा इसका ए डैश। तो अब समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये इमेज ऐसे है, ये इधर उल्टी बन रही है, तो ये कैसी हो गई, रियल तो है क्योंकि आपके पास नॉर्मल लाइन्स आ रही हैं और डॉटेड नहीं है, लेकिन कैसी है, इन्वर्टेड है, समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसमें रूल कौन सा लगा हमारे पास, 1 और 3 वाला, 2 वाला भी लगा सकते थे आप। 2 वाला रूल कैसे लगता, कि F1 से निकालते आप, F1 से ऐसे ऐसे जाती और फिर ये क्या हो जाती यहाँ पर, इस तरीके से पैरेलल निकल जाती, तो ये भी यहीं पर ही मीट करती, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख देते हैं अब हम, पोजीशन जो है इमेज की वो कहाँ आई है, बिटवीन बिटवीन
एफ टू एंड टू एफ टू, क्लियर है इतनी बात। और जो साइज है इसका वो कैसा है, डिमिनिश्ड बना है। समझ लो डिमिनिश्ड क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, छोटा ही बना है। देखो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उससे तो छोटा ही है, और जो पिछली इमेज थी वो मैंने हाईली डिमिनिश्ड बनाई थी, यहाँ तो दिख भी नहीं रही है, उसको हाईली डिमिनिश्ड लिखा है, तो फिर भी दिख रही है, तो इसको मैंने डिमिनिश्ड लिख दिया कि छोटी ही है एज कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। और नेचर आपको पता चली चुकी है इसकी, नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ में आया ये? तो दो फॉर्मेशन तो हो गई हमारे पास, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ले आओ, टू एफ वन पर ले आओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ वन, क्या इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा नोट भी कर रहे होंगे आप, देखो इन्फिनिटी पे थी तो इमेज यहाँ बन रही थी, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट आगे आया है, आगे आया है तो ये इमेज भी कहाँ चली गई, आगे चली गई, पहले एफ टू पे थी, अब ये भी कहाँ हो गई, आगे शिफ्ट हो गई। तो यानी कि अब टू एफ वन पे तो ये और आगे शिफ्ट होगी, समझ रहे हो? तो देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो थर्ड पे आते हैं हम, देखो यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो थर्ड के लिए तो हम ये लिखेंगे क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ वन, टू एफ वन पे हुआ है तो क्या हुआ, देखो ज़रा यहाँ पर भी बनाओ एक कन्वेक्स लेंस। लो जी, लग रहा है इजी या नहीं बताओ, बहुत ही सिंपल से डायग्राम है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास क्या इधर, प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो। और ये क्या है इधर, एफ वन है, और ये क्या बन जाएगा इसका डबल, टू एफ वन। इधर ये एफ टू हो गया, और इधर क्या हो जाएगा ये टू एफ टू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है आपने, टू एफ वन पे, तो टू एफ वन पे रख देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हम इस तरीके से रख देते हैं। नाम हो गया इसका ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें भी रूल वही वाले लगाते हैं हम, देखो कैसे। पहला रूल लगा देते हैं इसमें कि अगर पैरेलल रे जाएगी तो वो कहाँ से निकलेगी, एफ टू से, तो एफ टू से निकाल देते हैं इसको इस तरीके से, समझ रहे हो। तो फर्स्ट रूल लग गया हमारे पास। फिर हम थर्ड रूल लगाते हैं इसमें कि ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें से अगर रे निकले तो कैसे होगा, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो देखो ज़रा फिर कैसे करेंगे हम इसमें इस तरीके से, तो ये कैसे निकल जाएगी आपके पास, स्ट्रेट ही निकल जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इसकी जो पोजीशन आएगी इमेज की वो कहाँ आ जाएगी, 2f2 पे आ जाएगी, तो ये 2f2 पे ही बना दी मैंने, समझ रहे हो। और सेम साइज़ की बनेगी जो कि ये ए बी है, तो ये आपके पास बी डैश हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, ए डैश हो गया। आया समझ में, थर्ड रूल ही लगाया है, ठीक। तो इसकी भी लिख देते हैं हम, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आई है, एट 2f2 आई है ये, ठीक है जी। और जो साइज़ है इसका वो क्या है, क्या लिखेंगे हम, सेम साइज़ है इसका, क्या है इसका साइज़, सेम है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ये सेम साइज़ है एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो नेचर है इसकी, नेचर कैसी है देख लो, आपके सामने ही है, रियल है, और साथ में क्या है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ रहे हो। देख लो अपोजिट बन रही है ये इमेज, तो कैसी होगी ये आपके पास, रियल है, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, और ये यहाँ पर तो इन्वर्टेड आपको दिख भी रहा है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट था ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इसमें देखना था कि रियल है, क्योंकि आपके पास डॉटेड लाइंस नहीं थी, तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा हमें नॉर्मली, लेकिन अगर रियल है तो साथ में इन्वर्टेड ही आएगी इमेज, क्लियर। तो थर्ड भी आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है, बताओ अब फोर्थ क्या होगा। देखो फोर्थ, देखो अब इतनी तो बात आपके समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है तो इमेज भी आगे जा रही है। पहले इन्फिनिटी पे था तो एफ टू पे बन रही थी इमेज, फिर कहाँ आया, बियॉन्ड टू एफ वन आया, तो हमारे पास बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू बन रही थी। अब कहाँ आ गया, टू एफ वन पे, मतलब और आगे आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी आगे चली गई, देख लो टू एफ टू पे चली गई, पहले बीच में आ रही थी अब वो आगे चली गई। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब फोर्थ करते हैं, फोर्थ का क्या होगा आपके पास बताओ ज़रा। फोर्थ में हम देखते हैं, देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट बिटवीन इसके, अब देखो टू एफ वन पे तो आ गई, इसके और इसके बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ़ वन एंड टू एफ वन, या फिर टू एफ वन एंड एफ वन, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो इसके लिए करते हैं हम, ये हमने बनाया इसमें एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये हो गई आपके पास इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी सबसे पहले यही किया करो आप, एफ वन है, ये वाला हो गया टू एफ वन, ये हो गया आपके पास यहाँ पर एफ टू, और ये क्या हो गया टू एफ टू। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अभी आपके पास, एफ वन एंड टू एफ वन कहाँ पर है, एफ़ वन एंड टू एफ वन के बीच में, तो यहाँ एफ़ वन एंड टू एफ वन के बीच में, तो यहाँ रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को, नाम रख देते हैं ये ए, और ये क्या है बी। तो इसमें भी वही रूल्स लगाओ, देखो फर्स्ट रूल लगा देंगे हम, अगर पैरलर है, पैरलर है रे
प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से निकलेगी बताओ ज़रा, फोकस में से निकलेगी, तो ये फोकस में से निकल गई, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। दूसरा कौन सा बना दो, ऑप्टिकल सेंटर का बना दो, समझ रहे हो इतनी बात, तो ऑप्टिकल सेंटर से कर देते हैं हम इसको पास इस तरीके से, तो ये आपके पास इस तरीके से जाएगी ये स्ट्रेट और कहीं यहाँ पर कट होगी, क्लियर। और ये था ऑप्टिकल सेंटर जहाँ से ये पास करी है, ठीक है। तो ये 2F2 से भी पीछे चली गई है, तो ये बनेगी इमेज और ये बन जाएगा बी डैश और ए डैश। देखो इसमें इमेज बड़ी बन रही है इस वजह से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसमें, तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पर बनी है, ये बनी है बियॉन्ड, बियॉन्ड किसके लिखे हैं हम इसमें बताओ ज़रा, 2F2, 2F2 के पीछे बन रही है, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F2, कितनी बात क्लियर है। साइज़ कैसा है इसका, बड़ा है, तो हम लिख देंगे एनलार्ज्ड है, कैसा है साइज़ एनलार्ज्ड है। और जो नेचर है, नेचर सेम रियल है और इन्वर्टेड है, ये तो समझ में आ रहा होगा अब आपको, या नहीं। फिफ्थ देखो, अब फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो अब कहाँ लेके जाएं, अब F1 पे ले जाएं ऑब्जेक्ट को। तो देखो ऑब्जेक्ट आ गया अब इज़ एट F1 पर आ गया, तो देखो कैसे बनाएंगे, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बहुत ईजी हैं। अब देखो ये हो गया आपके पास कन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपके पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास F2 और ये बन गया 2F2, इधर भी सेम F1 और ये 2F1, क्लियर है, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो है F1 पर, ठीक है। तो F1 पर बना देते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, नाम लिख देते हैं AB। तो इसमें रूल देखो कौन से लगाएं अब हम, देखो पहला क्या लगेगा इसमें, वही कि आप पैरेलल लेके जा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के रे, तो कहाँ से निकलेगी ये, फोकस से निकलेगी, तो हमने ये फोकस से बना दिया, कितनी बात क्लियर है। दूसरा कहाँ से, थर्ड रूल लगाएंगे अगर हम, ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहाँ से निकाल देते हैं इसको, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब निकलेंगी ये, तो ये स्ट्रेट चली जाएगी इस तरीके से, और ये अगर आप देख रहे हो ये कभी मीट नहीं करेंगी कहीं पर, क्यों, क्योंकि ये देखो पैरेलल जा रही है, पैरेलल रेस तो कभी मीट नहीं होती, और अगर ये मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है, हम क्या सोचते हैं पैरेलल रेस कहाँ, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो यानी कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, समझ रहे हो बात को या नहीं। जैसे हम कहते थे ना इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो वो पैरेलल आ रही हैं, है ना, जब ऑब्जेक्ट के लिए किया था हमने, इधर हमने क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो अब जो ये जाने वाली रेज हैं ये भी तो पैरेलल हैं, तो यानी कि अब इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी, समझ रहे हो। तो पोजीशन क्या हो गई इमेज की, एट इन्फिनिटी। और साइज कैसा होता है इन्फिनिटी पे बताओ जरा, साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज। देखो इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज, क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज होगा, कितनी बार समझ में आई। और जो आपके पास नेचर होगी, नेचर भी कैसी होगी इसमें, कि रियल होगा, क्योंकि रियल जा रही हैं रेज ही हैं आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा लगेगा, क्लियर है इतनी बात या नहीं। सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रे डायग्राम होगा इसका आपके पास फॉर्मेशन का, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा आपके पास, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में होगा, क्लियर। तो यहाँ लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके पास रे डायग्राम। तो देखो इसमें हमने ये बनाया, जैसे मान लीजिए ये हमने कन्वेक्स लेंस बनाया और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें हम ये कहते हैं ये है F1, ये है 2F1, ये हो गया आपके पास F2 और ये क्या हो गया 2F2 हो गया, क्लियर। तो अब जो है ये है और आपके पास ऑप्टिकल सेंटर O, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम F1 और O के बीच में, अगर हम यहाँ रख रहे हैं इसको तो चलो ऐसे रख देते हैं, ये रख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया B, क्लियर दिख रहा है सभी को। तो इसमें रूल लगाते हैं, अब देखो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रे तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो इसको हम फोकस से निकाल देते हैं इस तरीके से, समझ में आ रही है कहानी या नहीं, ठीक है। और
दूसरा जो है हम रे कहाँ से निकाल लें, ऑप्टिकल सेंटर से, ये थर्ड रूल है आपका, ठीक है। तो इसमें से निकाल देते हैं इसको हम इस तरीके से, और ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा आपके पास इस तरीके से। अब देखो ये ना तो पैरलल रहे और जा भी हैं एक दूसरे से दूर दूर रही हैं, मतलब पैरलल जाती तो हम कह देते हैं इन्फिनिटी पे हो रहा है कुछ जैसे यहाँ पर था, लेकिन ये दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब यहाँ तो ये कभी मीट नहीं करने वाली। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें अपीयर टू मीट, और अपीयर टू मीट अगर हम बैक लेके जाएं इनको, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो बैक कैसे लेके जाएंगे देखो ज़रा, ये आपके पास इस तरीके से जाएगी ये वाली रे, इस तरीके से आपने बनानी है, ठीक। और इधर से ये भी जाएगी आपके पास इस तरीके से ऊपर, और ये कहीं यहाँ पर कहीं मीट कर रहे होंगे अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जहाँ भी मीट करेंगी तो ये हम बना देंगे इस तरीके से, समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा ये बी डैश, और ये साथ में ए डैश, इस तरीके से थोड़ा सा समझ जाना यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर ही बना दिया मैंने ये, ठीक। तो देखो इस केस के अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है बिल्कुल ही साफ साफ, ठीक है। और ये इमेज है, ये भी आप क्या कर सकते हो, डॉटेड बना सकते हो इसको। क्यों डॉटेड बना सकते हो, देखो अब ये जो इमेज बनी है ये आपके पास रियल नहीं बनी, क्योंकि ये जो रेज हैं ये अपीयर टू मीट करवाई हैं हमने, ठीक है ना, क्योंकि रियल तो इस साइड बननी थी। तो ये कैसी हैं, वर्चुअल इमेजेस हैं, वर्चुअल हैं तो साथ में इरेक्ट भी, और इरेक्ट हैं सीधी हैं, मतलब देख लो बी बी है और ए ए है, क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे कैसे कि पोजीशन क्या है इसमें, तो पोजीशन के लिए लिखेंगे हम कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइड पे है जहाँ ऑब्जेक्ट है लेंस के, उसी साइड पे आपकी इमेज बनी है। तो हम पोजीशन में लिखते हैं यहाँ पर पोजीशन, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये सब बातें ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखना, एनसीईआरटी जहाँ ये फॉर्मेशंस की हुई हैं, डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वहीं पर ये एक टेबल बना हुआ है आपके, तो वो पेज नंबर जो है आपका 178 पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। 178 पे टेबल बना हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब देखो साइज़, साइज़ क्या होगा इसका बताओ, एनलार्ज्ड, ये देखो तो ये तो बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही बन रहा है, तो एनलार्ज्ड बन रहा है। कहीं सोच रहे होंगे हाईली एनलार्ज्ड क्यों लिखा, हाईली एनलार्ज्ड लिखते हैं हम इन्फिनिटी वाले पे, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे बनती है हाईली एनलार्ज्ड, यहाँ पर तो इससे बड़ी बन रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एनलार्ज्ड है, ठीक है। और जो नेचर है, नेचर कैसी है इसकी बताओ, क्या रियल है, नो, ये कैसी हैं आपके पास डॉटेड जा रही हैं, तो यानी कि अपना हमारा ये भी कैसा बना है, वर्चुअल, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, क्या इतनी बात क्लियर है, आए समझ में रे डायग्राम्स ये। तो ये रे डायग्राम्स थे आपके पास फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, क्लियर है इतनी बात बताओ, कर लोगे ये सब, ठीक है। तो ये रे डायग्राम्स कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर में, इनमें से कोई ना कोई एक आपसे पूछ ही लेगा, समझ लो, कुछ भी पूछ सकता है, बोल देगा ऑब्जेक्ट जो है आपका F1 पे बताओ कन्वेक्स लेंस में कहाँ पर इमेज बनेगी, और उसका रे डायग्राम भी बना दो, ठीक है, इस तरीके से नेचर वगैरह भी पूछेगा आपसे, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।